कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम पर फाइनली कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है और इस वर्डिक्ट के मुताबिक ये फिल्म अगले वेंसडे तक रिलीज नहीं हो पाएगी। इस वर्डिक्ट के बाद कमल हासन काफी इमोशनल हो गए। वैसे अभी कुछ घंटों पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कमल हासन ने कहा कि वो इस पूरे इंसिडेंट से काफी आहत हैं और अब वो एमएफ हुसैन की तरह इस देश को छोड़कर जाना चाहेंगे। I think I'll have to seek a secular state for me to stay in. I've lost what I've got. When I have nothing to lose, I might as well choose. And that choice would be a place where it will be a secular state from Kashmir to Kerala, excluding Tamil Nadu, I look for a place which would house an artist like me. I'll pay for it. I know my art is still left and I can earn. If I can't find it within India, which I will know in another couple of days whether I'll be able to find a secular state in India or not, I will find, hopefully, another country which is secular, that might take me in. MF Hussain had to do it. And now Hassan will do it. और जब से कमल हासन का ये बयान सामने आया है, पूरे देश में आर्टिस्ट कम्युनिटी काफी गुस्से में है। उनका कहना है कि सेलिब्रिटीज पॉलिटिशियंस के सॉफ्ट टारगेट होते हैं और पॉलिटिशियंस अपने पॉलिटिकल गेन के लिए हमेशा आर्टिस्ट को निशाना बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।